हे हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दीपा और आज के सेशन में हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के बारे में बात करेंगे जो कि दुबई में हेल्ड होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडिया ने क्यों इसे रिफ्यूज़ किया है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। 30th नवंबर से 12th ऑफ दिसंबर के बीच यानी कि इसी साल 2023 में 197 कंट्रीज मिल करके एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रही है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और फ्यूचर जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनके बारे में बात की जाएंगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि COP28 जो है इसी के बारे में ज़्यादातर फोकस कर रही है कि क्लीन एनर्जी जो है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। अगर हम देखें कि लास्ट फ्यू डिकेड्स में 1.5 डिग्री जितनी भी टेम्परेचर इंक्रीज हुई है, ग्लोबल टेम्परेचर, उसको कम करने की बात की जा रही है और साथ ही साथ नेट ज़ीरो अमीशंस बाई 2050 यानी कि 2050 तक नेट ज़ीरो अमीशन को अचीव करने की बात भी की जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है इंडिया ने क्यों रिफ्यूज़ किया COP28 को। इंडिया का ये मानना है कि इंडिया इतने कम टाइम पीरियड में यानी कि 2050 तक जो है अचीव नहीं कर सकती जो भी टारगेट है यानी कि नेट ज़ीरो अमीशन को वो टारगेट नहीं कर सकती। जितने भी कार्बन अमीशंस हैं उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उन्होंने साफ साफ डिक्लेरेशन दे दिया है और हेल्थ और क्लाइमेट को लेकर के इंडिया काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, ये अलग से कहने की बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।